टास्क का पहला राउंड पूरा हो चुका है, जहां मनीषा के साथ एक लंबी बहस के बाद में मनीषा ने मना कर दिया इस रोल के लिए, यानी कि नेगेटिव रोल के लिए, यानी कि विलन के लिए। मनीषा ने साफ कह दिया, ना तो मैं घर की विलन हूँ, ना मैं रियल लाइफ में विलन हूँ, तो मैं इस रोल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। मनीषा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पूजा की बातों का। पूजा ने बहुत घुमा फिरा के बातें करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब पूजा के सामने मनीषा देती हुई आई। मनीषा ने कहा पूजा को कि आप जो मुझे कह रही हैं कि मैं घर जो मेरा ग्रुप है उसको चलाती हूँ, यह वह सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, हम किसी एक के कहने से नहीं चलते। वहाँ पर पूजा ने मनीषा को कहा कि तुम अभिषेक को चलाती हो और अभिषेक जब तुम्हारे साथ में होता है तो एग्रेसिव हो जाता है और जिया के साथ में उसका अलग ही रूप रहता है। तो वहाँ पर भी मनीषा मुंह तोड़ जवाब देती है। दूसरा जो हुआ वो हुआ एल्विश का। एल्विश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो आसानी से मान भी गया वीरल के रोल के लिए। पहली बार एक्टिंग की उसने, लेकिन काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया। और थर्ड था बेबी का, लेकिन फाइनली जब डिसीज़न लेने का टाइम आया तो जो पूजा है उन्होंने कहा कि बेबी का विनर है, क्योंकि बेबी का ने अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई और साथ में ये भी कहा कि कुछ छोटी मानसिकता वाले लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो अब जब करेंगे कि बेबी का तुझे विनर वहाँ पर जो है विलन घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो नहीं जानते कि हीरो भी नहीं बन सकता अगर विलन ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा ने अपने दिमाग में सब कुछ बिठाया हुआ है, विलन बेबी का, हीरो का दोस्त अभिषेक, पासिंग शॉट्स शायद जैद को देंगी, हीरोइन वो देगी जिया को, और क्राउड का हिस्सा वो किसी को दे सकती है। तो देखना ये होगा कि हमारी कास्टिंग क्या उसकी कास्टिंग से मिलेगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।